लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। अगर कोई बुजुर्ग ये कहे कि उसे गोद ले लो तो सुनकर आपको कैसा लगेगा? चीन में रहने वाले 85 साल के हेन जीचेंग चाहते हैं कि कोई उन्हें गोद ले। ये बुजुर्ग अपनी साइकिल पर एक पेपर लगाकर घूमते हैं जिस पर लिखा है, मैं बूढ़ा अकेला आदमी अपने 80वें दशक में हूँ, ताकतवर शरीर, खरीदारी कर सकता हूँ, खाना पका सकता हूँ और अपनी देखभाल कर सकता हूँ। कोई गंभीर बीमारी नहीं है। मैं साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिटायर हुआ हूँ। $950 प्रति माह पेंशन भी मिलती है। चीन में 15% जनता 60 की उम्र से अधिक है। 2040 में ये संख्या कुल जनसंख्या की 1/4 तक पहुँच जाने की उम्मीद है। आगे वे लिखते हैं, मेरी पत्नी की मौत हो चुकी है और बेटों से उनका कोई संपर्क नहीं है। उनके पड़ोसियों की अपनी जिम्मेदारियां हैं। मैं नर्सिंग होम नहीं जाना चाहता। मुझे उम्मीद है कि कोई दयालु व्यक्ति या परिवार मुझे गोद ले लेगा, मेरी देखभाल करेगा और मौत के बाद मेरे शरीर का अंतिम संस्कार कर देगा।